हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स की। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कोस्ट एफएम में 75 प्लस कैसे स्कोर करने हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर 2 to 3 वीडियोस देख चुके होंगे, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बताया है, या फिर आपको स्टडी कैसे करनी है कुछ टिप्स उसके बारे में बताई गई है, और एडवांस अकाउंट के लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई गई है 80 प्लस कैसे स्कोर करें। तो ऐसी वीडियो आज हम आपके लिए कोस्ट एफएम के लिए भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कोस्ट एफएम में आप 75 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे मार्क्स कोस्ट एफएम में कितने आए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाने आ गए पर खुद के मार्क्स पता नहीं कितने आए हैं। तो कोस्ट एफएम में आई गोट 67 मार्क्स। अब आप एक और सवाल सोच रहे होंगे, वीडियो बना रहे 75 प्लस की, खुद के आए 67। तो 67 मैंने 88 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तब मेरे आए थे 67। अगर आप अटेम्प्ट करते हो 100 मार्क्स का, तो आपके इजीली 75 या फिर 75 प्लस स्कोर आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है अभी का, उसमें आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं 60-60 मार्क्स के, तो थ्योरी के आपके 32 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर जो आपका आ रहा है 32 मार्क्स का, वो थ्योरी का आ रहा है, बाकी प्रैक्टिकल का आ रहा है। तो मैं उन बच्चों के लिए अभी बात कर रहा हूं जो बेसिकली थ्योरी में वीक होते हैं, उनसे थ्योरी नहीं हो पाती और प्रैक्टिकल में वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो क्या करें कि जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन एक थ्योरी का होता है, उसको आप स्किप कर सकते हो और प्रैक्टिकल पोर्शन आप पूरा अटेम्प्ट करो, और थ्योरी में जो ऑप्शन में आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ना होता है वो आप थ्योरी का छोड़ दो। तो क्या होगा, 84 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करोगे और 16 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करनी होगी आपको बस। तो ये तो नहीं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती थ्योरी और थोड़े वीक हो तो बिल्कुल तो छोड़ के नहीं जाओगे ना, कुछ कुछ आप पढ़ के जाओगे, या फिर जो आपके कोचिंग क्लासेस वालों ने आपको कुछ भी नोट्स प्रोवाइड करे होंगे, समरी बुक दी होगी, आप वहां से पढ़ के जाओगे, तो कुछ आप थ्योरी में भी स्कोर कर लोगे और प्रैक्टिकल मार्क में भी 84 में से अगर आप अच्छे होंगे तो 70, तो यहीं पे आप सोचो यहीं पे लगेगी, और 16 में भी 5 to 6 आते हैं, तो वही आपके, तो ये हो गए आपके 75 to 76 मार्क्स। ये हो गया जो बच्चे थोड़े थ्योरी में वीक है उनके लिए, 70 मार्क्स आप प्रैक्टिकल में स्कोर करो और 5 to 6 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हो 60 मार्क्स का अगर आप अटेम्प्ट करोगे, तो 75 to 76 आप यहाँ इजिली स्कोर कर सकते हो। और जो बच्चे प्रैक्टिकल में तो अच्छे हैं ही और उनकी थ्योरी भी अच्छी है, फिर उनके लिए तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, वो तो 80-85 तक के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। बट अब बात यहाँ पे आती है जिन बच्चों की थ्योरी वीक है और उनका प्रैक्टिकल भी वीक है, तो वो थोड़ा कोस्ट एफएम में पास होने के लिए भी उनको थोड़ा मेहनत उनको तो वही करनी पड़ेगी। बट आपको फिर आप ये मत सोचना कि अब तो मेरे को फिर आप 75 प्लस के लिए देखो, मैं तो यही कहूंगा कि कम ही सोचना, क्योंकि आपको थ्योरी पोर्शन भी आपका वीक है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी, फिर आप 75 के लिए नहीं, फिर आप सोचो जिसमें आप थोड़े अच्छे आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है वो आप कैसे स्कोर करोगे वहां, और यहाँ आप पास होने के लिए 50 की लाइन में जाने के लिए सोच सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो मैंने थ्योरी की आपको बात बताई वो आप पास्ट ईयर के पेपर करना, वो तो मैं किस लिए बता रहा हूँ, 75 प्लस के लिए भी है और आपके थ्योरी पर्पस के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो पास्ट ईयर में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी के, अगर आप वो भी पढ़ पढ़ के पूरे आप डिटेल से उनको पढ़ोगे, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस 5 to 10 ईयर्स में एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं एक आधे, तो वही अगर मान लो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो आपको थ्योरी के भी एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर आपके 75 बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो यही आपको कुछ बातें थी जो मेरे पास बतानी थी, और एक और सबसे मेन बात कंसेप्चुअल नोट्स की, जो कि हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन टिप्स वाली में भी शायद बताया है, और अमेजिंग टिप्स वाली में भी हमने बताया आपको कि कंसेप्चुअल नोट्स जरूर बनाए, एडवांस वाली जो हमने वीडियो बनाई है उसमें भी आपको यही बात बताई गई है, तो कंसेप्चुअल नोट्स आपके बनाने ना भूले, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो गाइस, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आपके अच्छे मार्क्स के लिए। आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो जितने भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए ऐसी वीडियो और आने वाली है। बाय बाय गाइस।